गाजियाबाद की घटना को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में ट्विटर इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी बात को लेकर हमारी चर्चा जारी है और इन सब के बीच आपको बता दें, 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने में, ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बेवजह एक व्यक्तिगत विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपके पास आते हुए उसके बाद एक एक करके बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी। यह तो महत्वपूर्ण है ना कि चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक है, इसलिए कोई भी मुद्दा मिले उस पर तुरंत भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो जाओ, ये देखे बिना कि मामला वास्तव में हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक है भी, जय श्री राम कहने से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहां पर ताबीज बनाने का व्यक्तिगत मामला था, लेकिन उस व्यक्तिगत मामले को जिस तरह से तूल दिया गया उसने यकीनन माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों की ओर से। देखिए चित्रा जी, बार बार मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहता हूं कि आप 4.5 साल के विकास का काम गिनाइए, जनता आपको सुनती है तो वो घिसे पिटे 4 पेपर लिए घूम रहे हैं 10 दिन से, वही गाते रहते हैं। मैं कहता हूं आपकी सरकार ने क्या काम किया वो बताइए, कैसे बताएंगे वो कि यहाँ पे नदियों में लाशें तैरती रही, कैसे बताएंगे कि अपने लोगों की यहाँ पे जानवर नौचते रहे, कैसे बताएंगे कि बेटी को यहाँ पे रात के अंधेरे में जला दिया गया, कैसे बताएंगे कि यहाँ पत्रकारों की हत्या हो रही है, कैसे बताएंगे यहाँ पे जहरी शराब से लोगों की मौतें हो रही है, कैसे बताएंगे बेरोजगारी से यहाँ पे शाहजहांपुर हो चाहे गाजियाबाद दो चाहे बनारस हो, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे बचाएंगे, कैसे बताएंगे कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की कमर टूट रही है, लोगों की मौतें हो रही है। इनको सिर्फ जाति धर्म की बात करनी है, जाति धर्म की राजनीति करनी है, चूंकि ये विकास का काम गिरा नहीं सकते। मैं तो चैलेंज करता हूँ, फेसबुक लाइव का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये विकास का काम गिरा ना 4.5 साल में क्या किया, व्यक्तिगत विवाद में फेसबुक लाइव करने की क्या जरूरत थी समाजवादी पार्टी को। मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर में है कि नहीं है, सरकार उत्तर प्रदेश में है कि, इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, यहाँ पे कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं है, कौन किसको ठोक दे कब, कौन पुलिस वाले, जनता पुलिस को, गुंडा पुलिस को, पुलिस गुंडा को, कौन किसको यहाँ ठोको, नहीं चल रही है भाई कानून व्यवस्था है कि नहीं, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, किसने आपको रोका है, आप मुद्दा बनाते हो, आप कार्रवाई कम करते हो मुद्दा ज्यादा बनाते हो, चूंकि आपको पास कोई काम है नहीं गिराने को, काम होता गाजियाबाद और ट्विटर वाले मुद्दे पर रहते हैं। लेकिन सलमान निजामी जी, जिन बातों का जिक्र अपने पहले रिमार्क के दौरान आप कर रहे थे, दरअसल उन बातों का जिक्र FIR में है ही नहीं। पीड़ित पक्ष ने कहीं नहीं कहा है कि जय श्री राम उससे बुलवाया गया, दाढ़ी कटाने का जो मामला बार बार वायरल किया जा रहा है वो उस बात का भी जिक्र नहीं है, मामला तो ताबीज से जुड़ा हुआ है ना। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरा उनका सहयोग देंगे जहां भी उनको हमारी जरूरत होगी। हमें गौरव भाटिया जैसे कल तक गौरव भाटिया भाजपा को गाली देते थे और आज ये ऐसे दलबदलू को हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि सलमान निजामी जी, सुनिए, जानकारी जिस बात की नहीं थी क्योंकि वो शख्स एक मुस्लिम है, उनका व्यक्तिगत ताबीज का विवाद, लेकिन आप लोगों को सूट करता है इस वजह से आपको बता रहे हैं। FIR हो गई है आपके खिलाफ, आपको अंदाजा है इस बात का कि फेक न्यूज फैलाने के खिलाफ। मैं पढ़ देती हूँ, समाज में शांति भंग करने और धार्मिक समूहों को भड़काने के मकसद से आप लोगों की ओर से इस तरह के ट्वीट किए गए हैं, तब FIR दर्ज हुई है। अब्दुल समद का बेटा बबलू जो कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं पुलिस झूठ बोल रही है, हम आपका माने या उनका माने, और दूसरा हमने तो कंडेम किया था क्योंकि न्यूज ने उसमें मेंशन किया था, न्यूज ने उसके उसको कोट किया था, मैंने कोट नहीं किया है, मैंने कहीं भी कोट नहीं किया, मुझे आप सूली पे चढ़ा दीजिए। अब तो न्यूज इंडिया टुडे ने